नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। पटना के बिहटा में 500 बेड का कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया। यह निर्माण पीएम केयर फंड के द्वारा किया गया है। सर पंडित जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संवेदना बिहार के प्रति दिखी, बिहार की जनता निश्चित रूप से हृदय से उनकी आभारी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज जो इस अस्पताल का उद्घाटन गृह राज्य मंत्री जी ने किया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया था कुछ दिन पहले। आज फिर से हम बिहार की सरकार की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और आप सब लोग को बिहार की स्थिति बताते हुए, आप बड़ी हमारे ठीक हो रहे हैं, हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इस आपदा प्रबंधन की जिम्मेवारी, आपदा प्रबंधन की जिम्मेवारी जब गृह मंत्रालय को दिया गया, भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के दिशा निर्देश, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में जब आपदा प्रबंधन गृह मंत्रालय के आधार पर करता हूँ, 600 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। और इसमें कर्मचारियों का पैसा, जो आम कर्मचारी है, जो कर्मी है, जो लेबर है, उसका पैसा लगा हुआ है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उपयोग होगा इसका, निश्चित तौर पर इसे पटना वासियों को, क्योंकि बिहार के अन्य भागों से भी आकर के पेशेंट यहाँ इलाज कराएंगे और स्वस्थ होकर जाएंगे। आपने देखा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड का जो फैलाव हो रहा था उसमें पिछले 5-7 वर्ष के अंदर काफ़ी कमी आई है। आने वाले दिन में मैं समझता हूँ कि बिहार में, इसे देश में कोविड से, जैसे प्रधानमंत्री जी, जैसे गृह मंत्री जी, जैसे गृह राज्य मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, राज्य मुख्यमंत्री जी, बल्कि आम लोग कोविड को परास्त करने में लगा है, मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्द देश से और बिहार से कोविड समाप्त होगा और जो भय का वातावरण है लोगों के मन में, उससे निजात मिलेगी। अपना अपने आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी का डीआरडीओ के जो अधिकारीगण हैं उनका और सर मंत्रालय के सारे लोगों का हम दिल से, हम जनता की तरफ से स्वागत भी करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हाँ।